जादुई गोटेदार लहंगे का जादू। किसी गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। आरती 10 साल की थी। एक दिन हाईवे पर सड़क हादसे में आरती के माता पिता की मौत हो जाती है। आरती अपने माता पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाती है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोग आरती को सारी बातें बताते हैं। आरती रोते हुए सड़क किनारे खड़ी रहती है और बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरे सब कुछ मेरे पापा ही थे, अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। लगता है ऐसे ही भटक भटक कर एक दिन मैं भी ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। आरती को इस तरह रोते हुए प्रदीप नाम का एक आदमी देख लेता है। प्रदीप आरती के पास जाता है और बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रदीप के पूछने पर आरती उसे सारी बात बता देती है। प्रदीप को आरती पर बहुत तरस आता है और वो अपने साथ आरती को अपने घर ले जाता है। आरती को देख प्रदीप की बीवी रीता हैरान रह जाती है और प्रदीप से कहती है, प्रदीप जी जरा मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रीता प्रदीप को कमरे में ले जाती है और बोलती है, जी आप ये किस गरीब को उठा लाए? रीता इसके मम्मी पापा नहीं है, ये सड़क किनारे रो रही थी, फिर मैंने सोचा हमारे भी तो कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। आज से तुम इसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करना। ये क्या कह रही हो आप, मैं किसी और की बच्ची को अपनी बच्ची कैसे समझ सकती हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी भयकी भयकी बातें कर रहे हो। रीता जरा ध्यान से सोचो, उसे मम्मी पापा की कमी है और हमें एक बच्चे की, तो इसे हमें अपनी बेटी मानने में क्या हर्ज है? इस बारे में अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। और हाँ, मुझे बिजनेस के काम से 2 दिन के बाद 4 महीने के लिए जयपुर जाना है, इसलिए तुम आरती का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर प्रदीप वहाँ से चला जाता है। प्रदीप के जाने के बाद रीता अपने मन में सोचती है, 2 दिन रुक जाती हूँ, फिर इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। इस तरह रीता आरती का 2 दिनों तक अच्छे से ख्याल रखती है। प्रदीप के जाने के बाद रीता आरती को अपना असली रंग दिखा देती है। रीता आरती को सही से खाने के लिए भी नहीं देती थी और अपने घर का सारा काम भी करवाती थी। आरती बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी, इसलिए वो घर का सारा काम चुपचाप और हंसी खुशी कर लेती थी और कभी भी रीता को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, रीता आरती को बुलाती है। आरती, ओ आरती। रीता की आवाज़ सुन आरती आती है। उसके बाद रीता बोलती है, सुन लड़की, मेरे लिए फटाफट से गर्मा गर्म हलवा बना कर ला। माँ लेकिन अभी का खाना तो मैंने बना दिया है, वैसे भी हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं कल जरूर आपके लिए हलवा बना दूंगी, अभी आप यही खा लीजिए वरना खाना बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा तूने, तू होती कौन है मुझे ये सब बताने वाली, मैं कुछ भी खाऊं या ना खाऊं इससे तुझे क्या, तेरा काम बस खाना बनाना है, समझी तू? ठीक है माँ, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आरती किचन में जाती है और रीता के लिए हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद हलवा बन जाता है और रीता खा लेती है। खाने के बाद रीता बोलती है, सुन कल मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने पार्टी रखी है और मेरी सहेलियां भी आ रही है, इसलिए ये खाने की लिस्ट है, कल ये सब बना दियो। और हाँ, बर्थडे पार्टी की सारी सजावट भी तुझे ही करनी है, सब कुछ समय से हो जाना चाहिए। इतना सारा काम अकेले मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने जो कहा है सब समय से हो जाना चाहिए बस। अगले दिन आरती सुबह जल्दी उठती है और काम में लग जाती है। घर की सफाई के बाद आरती खाना बनाने लग जाती है। आरती किचन में खाना बना रही थी तभी थोड़ी देर बाद रीता आती है और बोलती है, कितना धीरे धीरे काम कर रही है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। कर तो रही हूँ माँ, आपने बहुत सारा तरह तरह के खाना बनाने को कहा है इसलिए समय लग रहा है। मेरी सहेलियाँ आती ही होगी, तूने अभी तक घर की सजावट भी नहीं की है, इसलिए आधे घंटे में सारा खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। क्या आधे घंटे, ये तो बहुत कम है। अगर आधे घंटे में खाना नहीं बना तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइयो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में तैयार होने, आधे घंटे बाद यहाँ आऊँगी। इतना बोलकर रीता वहाँ से चली जाती है। आरती बेचारी बहुत घबरा जाती है, इसलिए घबराहट की वजह से वो बेहोश हो जाती है। किचन की बाहर की खिड़की से एक जादूगरनी ये सब देख रही होती है।
आरती की बेहोश होने के बाद खिड़की के बाहर से जादूगरनी जादू करती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और घर की सजावट भी हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद आरती की आंखें खुलती है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सब किसने किया? इतनी जल्दी इतना सारा खाना बनकर तैयार हो गया और घर की सजावट भी हो रखी है, पर मैंने तो ये सब नहीं किया है। तभी वहाँ पर रीता आती है और बोलती है, अरे वाह, इतनी जल्दी सारा काम कर लिया तूने। हाँ, आपने कहा था ना जल्दी जल्दी करने के लिए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाया। तभी रीता की सहेलियाँ आ जाती है और रीता अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। रीता के जाने के बाद आरती सोचने लग जाती है, आखिर ये सब हुआ कैसे। रीता अपने सहेलियों से बातें कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बातें आ रही थी कि आखिर इतनी जल्दी आरती इतना सारा काम कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद रीता की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है और सब बहुत मस्ती करते हैं। और कुछ देर बाद बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रीता आरती को अपने साथ एक बड़ी सी जगह पर लेकर जाती है और बोलती है, आरती तू देख रही है ना इस जगह पर कितनी गंदगी फैली है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और कूड़ा कचरा फैलाकर चले जाते हैं। कल तुमने सारा काम जल्दी कर लिया था ना, इसलिए 15 मिनट में ये पूरी जगह साफ करके दिखा। लेकिन ये पूरी जगह 15 मिनट में कैसे साफ हो सकती है? इसे साफ करने में तो ना जाने कितने महीने लग जाएंगे। कल भी तो तूने 15 मिनट में इतना सारा खाना बना लिया था और घर की सजावट भी कर ली थी। वैसे भी वो भी तो इतने कम समय में नहीं हो सकता था, लेकिन तूने किया ना। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है तू ये भी कर लेगी। मैं अभी घर जाती हूँ, 15 मिनट बाद मैं फिर से यहाँ आऊँगी। और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे अपने घर पर नहीं आने दूंगी। आरती अच्छे से जानती थी कि वो 15 मिनट में वो जगह साफ नहीं कर सकती है, लेकिन रीता की धमकी की वजह से वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है जिसने आरती की मदद की थी। जादूगरनी लड़की का रूप लेकर आरती के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? आरती उसे सारी बातें बता देती है। आरती की सारी बातें सुनने के बाद जादूगरनी बोलती है, अच्छा तो इतनी सी बात के लिए तुम रो रही थी, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आरती वहाँ से चली जाती है, लेकिन चलते चलते वो सोचती है, ये लड़की कौन है? सब कुछ जाने के बाद भी इसने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? कल भी पता नहीं वो जादू कैसे हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मैं फिर से वहाँ जाती हूँ। इतना सोचकर आरती फिर से वहाँ जाती है। वहाँ पहुँचकर आरती देखती है कि उस जगह की सफाई हो गई है और वो लड़की भी वहाँ नहीं है। तभी वहाँ पर रीता आ जाती है और उस जगह की सफाई देख हैरान रह जाती है और कहती है, ये सब तुमने कैसे किया? हाथों से, और किससे? मैंने हमेशा आपकी सारी बात मानी है, इसलिए मैंने अपना ये काम भी पूरा कर लिया। रीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो वहाँ से हैरानी के साथ अपने घर चली जाती है। रीता के जाने के बाद आरती अपने मन में सोचती है, पता नहीं वो लड़की कौन है जो मेरी इतनी मदद करती है। आरती के इतना कहते ही जादूगरनी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदद की थी। और हाँ, जब तुम बेहोश हो गई थी तब मैंने ही अपने जादू से सारा खाना तैयार किया था और घर की सजावट भी मैंने ही की थी। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। जब तुम्हारी माता पिता की मौत हुई थी मैं उसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने रीता के पति को तुमसे बात करते हुए देखा, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मैं तुम पर नजर रखती थी। तभी मुझे पता चला कि रीता तुम पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब से मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर आरती खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। आरती, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जादुई गोटेदार लहंगा दे रही हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इसे पहन लेना और इसे अपनी इच्छा बता देना, ये तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है
जादूगरनी के चले जाने के बाद आरती लहंगा पहन लेती है और रहने के लिए एक घर मांगती है। उसके बाद लहंगा एक घर प्रकट कर देता है। उस दिन से आरती उसी घर में रहने लगती है और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती थी वो गोटेदार लहंगा से मांग लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रीता अपने मन में सोचती है, 4 दिन हो गए हैं, पता नहीं ये लड़की कहाँ है। मैंने सोचा था कि अच्छा हुआ ये लड़की चली गई, लेकिन इसके जाने के बाद सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा, आखिर कब तक मैं सारा काम करती रहूंगी। इतना कहकर रीता आरती को ढूंढने निकलती है। रीता आरती को ढूंढती है लेकिन उसे आरती कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर वो सड़क के एक कोने पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके गांव की एक मंजू उससे कहती है, क्या हुआ रीता बहन, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंजू, पता नहीं लड़की आरती कहाँ चली गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे तुझे कुछ पता नहीं है क्या, वो तो बड़े मजे से एक बड़े घर में रह रही है। यहाँ तक कि आरती इतनी अमीर हो गई है कि वो गरीब लोगों की मदद भी करती है, हर महीने गरीबों में खाना और कंबल बांटती है। अच्छा तुझे पता है क्या कि वो कहाँ रहती है? हाँ भला ये कौन नहीं जानता उसका घर, चल मैं तुझे उसका घर दिखा देती हूँ। उसके बाद मंजू रीता को आरती का घर दिखा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। रीता आरती का घर देख बोलती है, आखिर ये सब हुआ कैसे? उसके बाद रीता घर के अंदर जाती है और आरती से बोलती है, आरती बेटी कहाँ चली गई थी तू, इतने दिनों से मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। वो तो भला हो मंजू बहन का जिसने तुम्हारा घर दिखा दिया। चल बेटा अपने घर चल, हम दोनों हंसी खुशी रहेंगे। वैसे ये तो बता बेटा, तेरे पास इतना सब कुछ कैसे आया? हाँ मैं भी वही सोच रही थी कि आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या करोगी इस सवाल का जवाब सुनकर, आपको जितना मेरे साथ बुरा करना था कर चुकी हो, अब आप मेरे घर से चली जाओ। नहीं बेटी ऐसा मत बोलो, इतने समय से मैंने तुम्हें अपने पास रखा। हाँ क्योंकि मैं आपके घर के सारे काम करती थी, उसमें भी आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी, मैंने कहा ना आप मेरे घर से चली जाओ। तभी रीता की नज़र उस गोटेदार लहंगा पर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लहंगा इसके पास कहाँ से आया, मुझे तो लगता है कि अचानक इसके पास इतना धन दौलत आने का कारण ये लहंगा है। एक काम करती हूँ, जाते जाते ये लहंगा चोरी करके जाती हूँ। इतना सोचकर रीता आरती से कहती है, ठीक है आरती बेटा मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी इसलिए मुझे प्यास लग रही है, जरा मेरे लिए पानी ले आ। आरती रीता के लिए पानी लेने जाती है। आरती के जाने के बाद रीता लहंगा चोरी करने की सोचती है। रीता जैसे ही लहंगे को हाथ लगाती है उसे जोर से बिजली का झटका लगता है। रीता बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से रीता कभी भी आरती के घर नहीं आती है और यहाँ आरती जादुई गोटेदार लहंगे के साथ अपनी जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।